कल मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कॉलिजन का बताया था, ठीक है। कॉलिजन को कितने तरीके से बांटा गया है वो बता दिया था, कौन से क्राइटेरिया पे बांटा गया था ये भी बता दिया था। सभी सभी क्राइटेरियाज में, एक सेकंड, सभी लोग का फोन है, एक बार देख लेता हूँ। मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि कॉलिजन को कितने टाइप में बांटा गया है, ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक उसी में है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग ई से जानते हैं। और देखिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या। कोफिशियंट डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे एक मान लीजिए m1 मास है u1 वेलोसिटी से, किसी m2 मास को u2 वेलोसिटी से, कोई m2 मास अगर u2 वेलोसिटी से जा रहा है और उसका पीछा करती है, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो हो गया u1 माइनस u2, और आफ्टर कॉलिजन जब ये टकराया और ये किसी v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से जा रही है, टकराने के बाद कुछ मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होगा इनके बीच, और ये सेपरेट होंगे अगर, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर जो है वो आपका v2 माइनस v1। आगे वाला अगर तेजी से जा रहा हो तभी सेपरेशन होगा। सो जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, या आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ v2 माइनस v1। एक सेकंड बच्चों, बच्चे जो डिस्टर्ब हो गया ना उस वजह से, इसको हम लोग लिख सकते हैं u2 माइनस u। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1। और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ई वैरी बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में वैरी करती है, और किस तरीके से वैरी करती है वो भी एक बार देख लीजिए। जैसे इलास्टिक कॉलिजन है, अगर आपको मैंने तीनों केसेस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में बताया था, इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है, यहाँ e की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इलास्टिक कॉलिजन में e की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है, और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में
ई की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं तीनों के लिए। इसका मतलब है इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम होता है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी जो है वो स्टिक हो जाती है, दूसरे से चिपक जाती है, तो बॉडी सेपरेट ही नहीं होती है, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो देयर। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट सर, लिख लीजिए इसको, है ना। यस सर, ओके। देखिए यहाँ पर ऐसे कोई बॉडी है, मान लीजिए, समझिए इसको, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को समझते हैं। ग्राउंड है, ठीक है, तो बॉडी यहां से मान लीजिए अगर वो h1 हाइट से ड्रॉप किया गया है, बॉडी ड्रॉप h1 हाइट बाउंस बैक H2 height and coefficient of restitution. देखिए इसको अगर H1 height से गिराया गया और ये बाउंस बैक करके मान लीजिए H2 हाइट तक जाती है, ज्यादा हाइट तो जा नहीं सकती, उसे कम जाएगी और उसके बराबर जाएगी। H2 हाइट के लिए बाउंस किया, मुझे ये बताइए कि आने का जो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है, ये जो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से टकराएगी V1 क्या हो जाएगी, अंडर रूट H1। जब बाउंस बैक करेगी तो वी टू वेग से मान लो गई, वी टू वेलोसिटी से गई, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू जी, तो कितना हो जाएगी, अंडर रूट टू जी एच। अब सवाल ये उठता है जो ई की वैल्यू है क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो है, तो बताइए बॉडी किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है, बॉडी किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है, 2g h2 अंडर रूट अप्रोच किससे कर रही है, 2g h1 अंडर रूट। तो e की वैल्यू जो हो जाएगी यहां पर अंडर रूट 2 अपॉन h1 h1। ठीक
ठीक है? यस सर। देखा जाए अगर एच टू एच वन के बराबर है तो क्या होगा, ई की वैल्यू वन, ऐसा कॉलिजन हो जाएगा। यस सर। इलास्टिक कॉलिजन। अगर एच टू की वैल्यू एच वन से कम है, एच टू की वैल्यू ग्रेटर देन इलास्टिक। यस सर। अगर जीरो है, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब एच टू जीरो होने का मतलब क्या, जैसे मान लो कि धरती के ऊपर कीचड़ हो, कीचड़ में कोई बॉल गिरेगा तो क्या वो बाउंस बैक करेगा, नहीं करेगा। या बालू हो, सैंड हो, क्या वो बाउंस बैक करेगा, नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये परफेक्टली इनलास्टिक इलास्टिक कॉलिजन। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो, लिख लो। सर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा ना सर? हाँ परफेक्टली इन इलास्टिक बेटा, सही बोला, थैंक यू। परफेक्टली इन इलास्टिक। यस सर। ओके
ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है जो 40 मीटर पर सेकंड से नॉर्मल से 53 डिग्री पर आता है और नॉर्मल से 37 डिग्री पे चला जाता है, 37 डिग्री पे चला जाता है। एक तो ये आपको निकालना है इसकी वेलोसिटी और दूसरा कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमें v की वैल्यू पता हो। समझ गए? कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए कि हमें v की वैल्यू पता हो। ओके? यस सर। लेकिन हमें v की वैल्यू जब तक नहीं पता होगी हम कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, कॉलिजन का जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, वेदर वी आर कैलकुलेटिंग कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोई भी चीज, तो वो हम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग करते हैं। तो जब बॉडी टकराएगी तो इस नॉर्मल को हम क्या कर सकते हैं, इस द कॉमन नॉर्मल हो जाएगा ये, यस सर, तो हम लाइन ऑफ इंपैक्ट भी बोल सकते हैं। यस सर। जो भी मोमेंटम का ट्रांसफर होता है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होता है, लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसके अलोंग कोई मोमेंटम चेंज नहीं होता है या कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन अगर मैं इसको एक्स कहता हूं और इसको वाई कहता हूं, इन एक्स डायरेक्शन 40 साइन 53 इक्वल टू वी साइन 37। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। यस सर। 40 इंटू 4/5 इक्वल टू वी इंटू 3/5 इक्वल टू हो गया 40 × 4/3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 160/3। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब आते हैं अलोंग वाई डायरेक्शन। अलोंग वाई डायरेक्शन बताइए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो है, cos 37 की वैल्यू ज्यादा होती है, वैल्यू गड़बड़ आएगी। 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का अप्रोच से ज्यादा सेपरेशन आ जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ी सी एंगल में गड़बड़ कर रही है। 160 cos 37। ज्यादा आ गया, संभव नहीं है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं? यस सर। थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया, मैंने एक्चुअली एंगल लेने में गड़बड़ कर दी है। और कोई देखिए क्या करना है, यहां पे 37 कर दीजिए
और यहाँ पे तिरे पर कर देंगे, ठीक है? यस सर। साइन फोर हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इंटू टू बाई फोर अलोंग वाई डायरेक्शन। क्या करेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वाला आप 37 डिग्री कर दीजिए, आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? 40 इनटू कॉस 37। कॉस 37 हमेशा नॉर्मल के अलोंग लेना है ना, 40 इनटू 4 बाई 5 मीटर। सेपरेशन क्या हो जाएगा? कॉस कॉस 50 डिग्री, 3 बाई 5 मीटर पर सेकंड। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? 18/20 ठीक है। इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती, इसलिए मुझे वो चेंज करना पड़ा। कोई दिक्कत है ना? नो सर। लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। यस सर, हो गया। चलिए देखते हैं आगे।
रहे हो आयुष? यस सर। कर रहे हो क्वेश्चन को? यस सर। देखिए क्या करेंगे, फिर से वही होगा। ये x है, ये y है। पहला x डायरेक्शन में देखते सर कर रहा है। साइन 37 बराबर बी साइन थीटा, क्वेश्चन वन हो गया। y डायरेक्शन डायरेक्शन में देखिए, E इक्वल टू क्या हो जाएगा? V cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 20 cos 37, और ये क्या है 1/2। सो V cos थीटा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 4/5 एंड दिस इज 8। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। सो आपके पास है v sin थीटा इक्वल टू 20 sin 37 3/5 इज 15 और v sin थीटा इक्वल टू 15 v cos थीटा इक्वल टू 8। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? So, V sin theta upon V cos theta. Squaring both. V square sin a square theta plus. V square cos a square theta equal to क्या लिखेंगे? 15 a square plus. 8 square. ये V square sin a square theta plus cos a square theta क्या हो जाएगा? 1. 1. Equal to 225 plus 64. टू एटी नाइन हो गया। तो v कितना हो गया? 289 का अंडर रूट कितना होता है? 17 होगा सर। 17 क्या? यस सर। तो आपके पास यहाँ v आ गया 17 मीटर पर सेकंड। अब रहती है बात कि एंगल निकालने की, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। tan थीटा कितना आ गया? 15/8। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 10 by 15 by 8। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर कॉपी।
देखो ये क्या है, राउंड पेरिफेरी, स्ट्राइकर इज हिटेड बाई वेलोसिटी v such that after two collision turn back to same point with same velocity. And coefficient of distribution. समझिएगा इसको ऐसे कि ये जो है रेडियस जो होगा ये नॉर्मल हो जाएगा, और ये एंगल 60 डिग्री होगा, ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो 60 डिग्री एंगल होगा, ये 30 होगा और ये 30 होगा। तो अगर मुझे ई की बात कही जाए तो वेलोसिटी ऑफ प्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस 30 डिवाइड बाई प्लस 30 हो जाएगा, और इसको हम 1 कह सकते हैं। क्या कहते हो बोलो? यस सर कह सकते हैं। और आपको ऐसे भी समझ लेना चाहिए था कि अगर एनर्जी लूज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो इलास्टिक कॉलिजन होगा। यस सर। क्या काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या है? नहीं है। ओके यस सर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। एक और सवाल का प्रोफाइल दिखाता हूं। ये लिख लो, एक सवाल का प्रोफाइल और दिखा। यस सर हो गया। कोई दीवार है, कोई दीवार है, तो यहां से टू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर गेंद को फेंका गया और ये बाउंस करके यहां आके कहीं टकराए। ये समझ लो कि अगर ये x है, ये आपका एक्स वाई,
कोई गेंद वहां पे टकराई है ना, ये आप समझ लीजिए ये इसका हाईएस्ट हाईएस्ट पीस, यहां पर गेंद टकराई और यहां पर आई तो एक्स वाई टू डिस्टेंस पर आई। पूछा जा रहा है फाइंड एफिशिएंट रेस्टिट्यूशन of extrusion and velocity after collision. देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहती है, कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर होता है जीरो से हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होता है। नो सर वहां जब टकराएगा तब तो जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा ना। यस सर, हॉरिजॉन्टल तो रहेगा ना ये कॉस थीटा। यस सर, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बता दो क्या रहा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सर यू कॉस थीटा हो गया। यू कॉस थीटा, बात उठती है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब समझो इस चीज को, सेम हाइट से गिरने में टाइम तो सेम ही लगा होगा। यस सर, ये जो डिस्टेंस इसका आधा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, हाफ है। हाफ, यस सर। टाइम तो सेम लगा, रेंज आधा क्यों हो गया। कॉस थीटा डिवाइड बाय टू हो जाएगा, तो u कितना हो गया 1 by 2, कितना हो गया 1 by 2 हो गया। यस सर, समझ में आया। इससे कोई कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कॉलिजन को मिक्स करके आपको प्रोजेक्टाइल भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। काइनेमैटिक्स को ज्यादा मिक्स करेगा। यस सर, लिख लीजिए सर, लिखिए। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्टाइल तो यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, यहां से ये बाउंस होके इस तरीके से गया। अगर एच है ये, अगर एच बाई टू है, मुझे बताओ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हमारा क्या है, किस पे डिपेंड करता है, समझो एच किस पे डिपेंड करता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। पार्टिकल जब गया होगा तो पार्टिकल जो अप्रोच किया होगा इसको यू साइन थीटा से अप्रोच किया होगा, इधर की वेलोसिटी यू कॉस थीटा रही होगी। यस सर। अब मुझे बताओ कि एच बाई टू हो गई, एच बाई टू के लिए क्या करोगे, टू तो सेम रहेगा। हाँ, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू अपॉन टू करेंगे ना, यस सर, क्या हो गया यू साइन थीटा बाय रूट टू का होल स्क्वायर हो गया आई टू जी, समझ आया कुछ? नो सर, ये समझ नहीं आया, अगर मैंने एच बाई टू किया तो ऊपर आधा हो गया, यस सर वो तो है, इसको मैं इस वेलोसिटी को कैसे लिखूंगा, अभी यू साइन थीटा बाय रूट टू का होल स्क्वायर लिखूंगा ना, यस सर ओके, अब बताओ मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सर यू साइन थीटा बाय रूट टू, देखो ना, अरे यार भूल जा रहे हो, u by u square by 2g, अब u by dash क्या है upon 2g, u by क्या है अब u sin theta by root 2 after one quarter, yes sir, तुम्हें आया? Yes sir हो गया, कितना हो गया 1 by 2 root 2 sir, समझ आया? Yes sir, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया 1/√2, तो क्वेश्चन में कम नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, ओके, यस सर एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्लास से मैं पढ़ाता हूँ आप, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉलिजन का ही, अभी है बाकी है अभी कॉलिजन, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, कोएफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन वगैरह ही पढ़ा रहा हूँ।